हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहूँगा, खासकर इंटरेस्टिंग टॉपिक। यह स्टूडेंट्स के लिए है कि वो बहुत बार मेरे से पूछते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो फेमस पर्सनालिटी होते हैं वो 4 ही घंटे सोते हैं, 3 ही घंटे सोते हैं और बाकी अपना सारा टाइम पढ़ाई या अपने काम में लगाते हैं, तो हमें कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर टू द पॉइंट मैं आऊँ तो जो एक एडल्ट व्यक्ति है उन्हें 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, परंतु यह हमारे एज के अकॉर्डिंग वैरी करता है। आप देखो, जैसे नवजात बच्चा है वो 14 से 17 घंटे के आसपास सोते रहता है, और जैसे ही हम थोड़े ओल्डर होते चले जाते हैं हमारी नींद जो है थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है, और जब हम थोड़े और ओल्ड होते चले जाते हैं, जैसे हमारे दादाजी, हमारे जो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप देखना वो बहुत जल्दी जग जाएंगे, उनकी नींद थोड़ी कम हो जाती है। तो इट्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कि आपकी नींद जो बच्चों में ज़्यादा होती है वो धीरे धीरे वो जो है ओल्ड एज में कम होती चली जाती है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है कि आपकी नींद जो है वो डिसाइड करती है, नींद की क्वांटिटी को डिसाइड करता है आपका मेंटल एंड फिजिकल एक्सर्शन। अगर कोई व्यक्ति मेंटली ज़्यादा थकता है और फिजिकली ज़्यादा थकता है तो उसे ज़्यादा नींद आती है, ये कॉमन है। अगर आप दिन भर घर में बैठे रहोगे तो उस समय आपकी नींद जो है थोड़ी कम आएगी, ये क्वांटिटी को है। और द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको इस बात को समझना होगा कि मुझे कितने घंटे सोने पे मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश फील होता है। जैसे कोई व्यक्ति को 6 घंटे सोने के बाद वह दिन भर बहुत अच्छे से काम कर पाता है, कोई व्यक्ति 7, कोई व्यक्ति 8। तो ये आपका इनबिल्ट है, आपके जो बॉडी है उसके आवश्यकता अनुसार है, यह उसकी आवश्यकता है, आपको इसको समझने की ज़रूरत है। तो आप जिससे भी कंफर्टेबल हो 6 से 8 घंटे के बीच में वो आप कर सकते हो। आप ज़्यादा भी सोओगे, 8 घंटे से ज़्यादा नींद लोगे, देन जो स्लीप है खुद से स्लीप को इंड्यूस करता है, आपको और ज़्यादा नींद आएगी। आप कम भी सोओगे तो दिक्कत है। फिर एक क्वेश्चन आता है, क्या सर मैं इसे कम कर सकता हूँ? ऑब्वियसली बात है, आप कम कर सकते हो, इट्स ए हैबिट। अगर मैं धीरे धीरे 8 घंटे को 7 घंटे पे लाना चाहूँ, 7 घंटे को 6 घंटे पे लाना चाहूँ, 6 घंटे पे को 5 घंटे पे लाना चाहूँ तो कर सकता हूँ। बस इसकी थोड़ी फिजियोलॉजिकल जो आएगी, मुझे कुछ दिन थकान फील होगी, थोड़ा मुझे ड्रॉजीनेस फील होगा, इस तरीके की थोड़ी मेंटल जो कंसंट्रेशन पावर है थोड़ी कम होगी, बट यह धीरे 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 करने से अपकमिंग 3 to 4 मंथ अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने नींद की क्वांटिटी को कम कर सकते हो। साथ ही साथ इस बात को समझना है कि नींद क्या है। तो नींद कहीं ना कहीं, नींद में आपके माइंड को और आपके बॉडी को रिलैक्सेशन फील होता है। तो बहुत बार हम मेडिटेशन करके या शांत बैठकर या कोई स्पेशल योगा कर आप या खुद से आप जब थके हो तो आप बैठ जाओ, थोड़े ध्यान लगा लो, थोड़ी मेडिटेशन कर लो, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, तो इससे आपके माइंड और बॉडी को थोड़ी रिलैक्सेशन फील होती है। तो इससे भी आप नींद की क्वांटिटी को कम कर सकते हो। और एक और इम्पोर्टेंट कि ठंड के दिनों में हमें ज़्यादा नींद आती है। तो अभी हाल ही एक फ्रंटियर साइंसेज की जो पत्रिका है उसमें एक रिसर्च आई है, और ये रिसर्च पहले भी हो चुकी है कि हमारी जो नींद है उसको मुख्यतः दो भाग में बांटते हैं हम लोग, रेम स्लीप, NER स्लीप। तो जो रेम स्लीप की जो क्वांटिटी होती है वो ठंड के दिनों में थोड़ी बढ़ जाती है, इस कारण हमें ठंड के दिनों में ज़्यादा नींद आती है, जो कि हम अक्सर फील भी करते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नींद को प्रमोट करने के लिए जो ठंड का मौसम काफ़ी अनुकूल होता है, इसमें जो हमारा बॉडी है वो कम काम करना चाहता है, इसलिए ठंड के दिनों में जो है थोड़ी ज़्यादा नींद आती है। थैंक यू। ऐसी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन अगर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।